नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मास्टर जी में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के वेदांत का चैप्टर 4 डायरी के पन्ने, जिसके लेखक हैं एन फ्रैंक, इस पाठ के सार को समझने वाले हैं। अब हम इस पूरे पाठ के सार को समझते हैं। डायरी लेखन साहित्य की एक प्रमुख विधा है। यह विधा समाज, साहित्य, जीवन व समकालीन इतिहास पर प्रकाश डालती है। डायरी लेखन में कल्पना कम और यथार्थ अधिक होता है, यानी कि कल्पना की हुई बातें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम रहती हैं, और जो चीज़ मेनली है, अस्तित्व में है, उस बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। एन फ्रैंक की डायरी द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास पर प्रत्यक्ष प्रकाश डालती है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस पर यह बात गौर करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड जर्मनी के प्रभाव में था, यानी कि हॉलैंड था वो जर्मनी के पूरी तरह से प्रभाव में था। उस समय जर्मनी व हॉलैंड में रहने वाले यहूदी लोगों को और अत्याचार ढाए गए थे। उन्हें यात्राण गृहों में अमानवीय यातनाएं दी गई थीं, यानी कि जो घर होता है, गृह होता है, जहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार से जहाँ उन्हें सुविधाएँ लेनी चाहिए, वहाँ पर उन्हें असुविधा हो रही थी। इस डायरी में हॉलैंड के दो यहूदी परिवार की आप बीती बताई गई है। उन्होंने 2 वर्ष से अधिक काल तक गुप्तवास में दिन बताए, यानी कि किसी को मालूम नहीं था यहाँ पर कोई रहता है नहीं रहता है। उस गुप्तवास के अनुभवों को इस पाठ में लिखा गया है कि यानी कि वहाँ पर अकेले में रहे वो तो किस तरह का उनका अनुभव था। दो यहूदी परिवार गुप्तवास में एक साथ रह रही थी। वे कुल 8 सदस्य थे। एक था फ्रैंक परिवार, जिसमें माता पिता, 13 वर्षीय एन और उसकी बड़ी बहन मार्गोटिया थी। दूसरा परिवार वान दान का था, जिन्हें माता पिता, 16 वर्षीय पीटर और मिस्टर डिसिल थे। डायरी लेखक 13 वर्षीय एन नामक लड़की है, जो यहाँ पर लेखक हैं इस पाठ के एन फ्रैंक, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वह उस समय पे 13 वर्षीय थी। ये लड़की का नाम है एक, और ये उन दो परिवारों के अज्ञातवास का जीवन दस्तावेज है, यानी कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। यह डायरी पत्र के रूप में लिखी गई है। इसमें कई पत्र हैं। वह इन पत्रों की किट्टी नाम का गुड़िया, यानी कि खिलौने को लिखती थी। अब जो कभी उसके परिवार या जन्मदिन पर उपहार के रूप में उसको मिली थी, जब उसका जन्मदिन रहा होगा शायद उसको किसी ने गिफ्ट दी होगी, वह इस गुड़िया को काफ़ी प्यार करती थी। संभवतः वह उसको अपने पूर्व स्थान में छोड़ आई थी, यानी कि जहाँ पर थी वहाँ पर छोड़ आई थी, इसलिए वह अपनी आप बीती अपनी गुड़िया किट्टी को लिखती थी। उसकी गुड़िया का नाम है किट्टी। वह बुधवार 8 जुलाई 1942 के पत्र में किट्टी को लिखती है कि रविवार का दिन था, माँ मिस्टर वानदान के घर गई हुई थी। वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं। तब मार्गोट ने कहा कि पापा को बुलावा आया है। मैं हैरान थी। बुलाने का मतलब था यातना गृहों में भेजना, जहाँ पर उन्हें यातनाएं दी जाएंगी। वहाँ की काल कोठरियाँ का स्मरण करते हुए वह कांप उठती थी। हमने तय किया कि पापा को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। हमें पता था कि नाजी सेना, यानी कि नाजीवाद जो हुआ था जर्मनी की, नाजी सेना हमें नहीं छोड़ेगी, इसलिए हमें कहीं गुप्त स्थान पर छुप जाना चाहिए। हम कल ही छुपने की जगह जाएंगे जहाँ पर हम छुपेंगे। वानदान का परिवार भी हमारे साथ जाएगा। उस समय पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए थे। हम सभी चिंतित थे। वानदान और माँ घर आए तब मालूम हुआ कि बुलावा पापा के लिए नहीं अपितु मार्गोट के लिए था, जो उसकी बेटी थी वानदान परिवार की, उसके लिए था। उस समय सेना को जवान लड़कियों की खास ज़रूरत थी। वे उनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से करते थे। मार्गोट तब 16 वर्षीय थी। हमें मालूम नहीं था कि हम छुपने के लिए कहाँ जाएंगे। यही पता था कि कहीं जाना है। अब यहाँ से तो कहीं जाना है, पर कहाँ जाना ये कुछ नहीं मालूम, इसलिए हमने अपना सामान रखना शुरू कर दिया। हम अज्ञातवास जाने से अत्यंत भयभीत थे, यानी कि डर लग रहा था जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। कुछ ईसाई कर्मचारी पापा के साथ काम करते थे, उनकी हमारे प्रति सहानुभूति थी। उनमें से मीएप एक थी। उनके पति जॉन भी पापा के दोस्त थे। वे दोनों रात को हमारे घर आए, कुछ सामान
उनके बैगों में भरा, जिनको लेकर वे रात को ही चले गए। दूसरे दिन सुबह हम तैयार थे। सुबह मियप आई, उनकी पत्नी थी जॉन की बुआई। वह मॉर्गोट को अपने साथ लेकर अज्ञात पास की ओर चली गई। सुबह 7:30 बजे हम भी पैसों घर वैसा का वैसा छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। घर में एक जीवित प्राणी बिल्ली को छोड़कर आए थे, उसी को गुड बाय करके हम घर से निकले थे, यानी कि गुड बाय बोल के उसको निकल गए घर से। भैया कहाँ जा रहा है कुछ मालूम नहीं, घबराए हुए हैं। अब बस इतना मालूम था कि घर से निकलना है और कहाँ जाना है इसका कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उन्होंने बिल्ली से कहा गुड बाय और वहाँ से निकल गए। गुरुवार 9 जुलाई 1942 के पत्र में एन किट्टी को लिखती है, पापा मम्मी और मैं कंधों पर बड़े बड़े थैले तेज बरसात में भीगते हुए जा रहे थे। लोग हमें बड़ी दयनीय निगाहों से देख रहे थे। जब हम आगे गली में पहुँचे तब पापा ने हमें अपनी सारी योजना बताई कि हमें क्या क्या करना है। हमारी छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में थी। यह जगह पापा ने कई दिन पहले से तय कर रखी थी। पापा ने घर का बहुत सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके पहले से ही वहाँ रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि पापा परिस्थितियों को पहले से ही समझ चुके थे। पापा के ऑफिस के सभी कर्मचारी ईसाई थे, वे हमारे अत्यंत विश्वासपात्र थे। उन्हीं के सहयोग से ये सब कुछ हो पा रहा था। उस भवन में कई कमरे थे, गोदाम थे। उस भवन के पिछवाड़े एनकेशी एनएक्सी में हमारा गुप्त आवास था, जो यानी कि वो तलघर टाइप का एक गुप्त कमरा, वहाँ पर उनका आवास था जिसकी खनक किसी को भी नहीं लग सकती थी। वहाँ पहुँचने के लिए कई प्रकार की सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती थी, कई गोदामों कई ऑफिस के रूम तंग गलियारे पार करने पड़ते थे। उसमें कई कमरे हैं, हमने उनका अलग अलग प्रयोग किया। वानदान का परिवार भी हमारे 7 कमरों में है। एक बड़ा कमरा कॉमन भी है जहाँ पर सब लोग आते जाते रहते हैं, जहाँ हम दोनों परिवार बैठते हैं। रहन सहन की दृष्टि से यह गुप्त आवास अच्छा था। शुक्रवार 10 जुलाई 1942 के पत्र में एन ने अपनी गुड़िया किट्टी को लिखा कि हम सब इस गुप्तवास में पहुँच गए। मार्गोट पहले से ही वहाँ थी, यानी कि जो वहाँ पर ले गए थे ना जॉन अपने साथ में, वो वहाँ पर पहले से ही उसको ऑफिस में छोड़ चुके थे। कमरों में सब सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। यह सब देखकर थक कर चूर हो गए थे। माँ और मार्गोट लेट गए तथा मैं और पापा सामान ठीक करने लगे। हम सारा दिन पैकिंग खोलकर उन्हें ठिकाने पर लगाते रहे। यहाँ से जिंदगी का एक नया आयाम शुरू हो गया। शनिवार 28 नवंबर 1942 के पत्र में एन लिखती है कि हम इन दिनों अधिक बिजली खर्च कर रहे थे, जो राशन से अधिक हो गया था, इसलिए एक पकवान तक बिना बिजली के काटते रहे। यानी कि अब उन्हें इतना ज़्यादा बिजली का उपयोग किया कि उन्हें बिजली की कमी पड़ गई। हमारे साथ एक मिस्टर डसेल हैं, जो अधिकांश बच्चों के साथ बैठना पसंद करते हैं। मैं उन्हें पसंद नहीं करती, वे बहुत पुराने जमाने की बातें करते हैं। हमें अकल देने के लिए लंबा अनुशासन भाषण झाड़ते हैं, यानी कि बहुत लंबा भाषण देते, पुराने समय की बातें बताते रहते, बच्चे बोर हो जाते, इसलिए एन फ्रैंक को भी वो अच्छे नहीं लगते। मेरी शिकायत माँ से कर देते थे। मेरी माँ मुझे अनुशासन के बारे में पाठ पढ़ाती थी। जब मैं रात को बिस्तरे पर होती हूँ तो अपने दिन भर की खामियां के बारे में सोचती हूँ। वे इतनी अधिक होती हैं जिनका हिसाब लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं सोचती हूँ मैं जो कुछ हूँ उसका अलग होना चाहती हूँ, यानी कि मैं जो भी हूँ उस चीज़ से मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अलग करके दिखाना है। ऐसी कोशिश मैं करती रहती हूँ लगातार। शुक्रवार 19 मार्च 1943 के पत्र में एन लिखती है कि आज के मेरी अखबार में खबर है, टर्की जो अभी तक तटस्थ था, यानी कि युद्ध लड़ रहा था, अब इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है। यह खबर उत्साहवर्धक थी, परंतु एक खबर यह भी थी कि 1000 गिल्डर का नोट अब अवैध घोषित कर दिया गया है, यानी कि डीमोनेटाइज कर दिया गया है। 1000 गिल्डर यानी कि अपने रुपया चलता है उसी प्रकार वहाँ पर गिल्डर चलता होगा, इसलिए 1000 गिल्डर का नोट अवैध घोषित कर दिया गया है, उसे डीमोनेटाइज कर दिया गया है। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था।
यदि यह नोट लेकर बाजार गए तो यह भी बताना होगा कि यह नोट कहाँ से और कैसे आया। हमने रेडियो पर हिटलर को घायल सैनिकों से बात करते हुए सुना। सैनिक उनसे बात करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे थे। शुक्रवार 23 जनवरी 1944 के पत्र में एन लिखती है कि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं मेहनत करती हूँ, परंतु आजकल मैं खाली समय में अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। मेरा यह संग्रह अच्छा खासा हो गया है, यानी कि उनको क्या कलेक्शन करने की आदत थी, जो पिक्चरी कलाकार थे, एक्टर थे, डायरेक्टर थे, उनकी फ़ोटोज़ को उनको कलेक्ट करने की एन फ्रैंक को आदत थी। मिस्टर कुलगर मेरे एक सिनेमा पत्रिका लाते थे, जो कुलगर थे वो उनके लिए एक सिनेमा की पत्रिका लाते थे, यानी कि आर्टिकल टाइप के, जिसे मैं बड़े चाव से पढ़ती हूँ। मुझे फिल्मी नायक नायिकाओं की कहानियाँ का अच्छा ज्ञान है। जब मैं केस सजा कर बनकर बाहर आती हूँ, यानी कि बाल जब सजा सजा कर वो बाहर निकलती हैं ना, तो सब मुझसे चिढ़ते हैं, पर इस पर लोग टिप्पणियाँ भी करते हैं, जिससे मैं बहुत पुराने स्टाइल पर आ जाती हूँ। बुधवार 28 जनवरी 1944 की डायरी में एन लिखती हैं कि हम सभी आवास में बातें करते रहते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर बातें करते रहते हैं, आपस में बातें करते हैं, हमारे पास कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है, यानी कि कोई बात ही नहीं है करने के लिए, अब एक ही दिन में रहना, पूरा टाइम वहीं पर रहना, क्या बात करें। मम्मी और मिसेज वानदान अपने बचपन की बातें को करती रहती हैं, जिन्हें हम हजार बार सुन चुके हैं, यानी कि एक ही बात को बच्चे हजार बार सुन चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मिसेज डसेल के लतीफे तो हर समय उबाऊ होते हैं, यानी कि बच्चे उनसे ऊब चुके हैं। अब सभी के लतीफे समय काटने के लिए होते हैं, यानी कि सभी की बातें बकवास होती हैं और समय काटने के लिए होती हैं, जो पहले भी कई बार सुन चुके हैं। जॉन और मिस्टर क्लीमेन अज्ञातवास में छुपे लोगों के बारे में सुनने में उत्सुक थे, यानी कि उनको लगता था कि बच्चे जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ पर अज्ञातवास में छुपे हुए हैं। जॉन को और मिस्टर क्लीमेन को इन दिनों ऐसे लोगों की जानकारी आम बात है। गिरफ्तार हुए लोगों के प्रति उन लोगों को हमदर्दी है। इन दिनों फ्री नीदरलैंड जैसी प्रतिरोधी दल भी हैं, यानी कि नीदरलैंड को फ्री कर दो भैया, हमें युद्ध युद्ध नहीं लड़ना कुछ भी, जो भूमिगत लोगों की वित्तीय सहायता पहुंचाती हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पर हैं वो उनको पैसों से मदद करती हैं। हम लोग भी उन्हीं की मदद से जी रहे हैं, यानी कि वो लोग उनको भी मदद करते हैं। ऐसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। वे लोग जन्मदिन और दूसरे मौक़ों पर फूल व उपहार लाते हैं, वे हर संभव मदद करते हैं। वे लोग हमारे लिए नकली राशन कार्ड बनाकर हमारे राशन पहुंचाते हैं। हम सब के साथ उन्हें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि उनके कारनामों की हवा जर्मनी को ना लग जाए, यानी कि उनको जर्मनी को मालूम चल गया तो हिटलर उसको मार डालेगा। बुधवार 29 मार्च 1944 को एन फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती है कि कैबिनेट मंत्री वोल्के स्टीन ने लंदन में डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के इस बारे में लिखे गए डायरियों व पत्रों को संग्रह किया जाएगा। अब मैं सोचती हूँ कि इस समय युद्ध के 10 साल, जब लोगों को पता चलेगा कि वह लोग कैसे रहते हैं, यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हमारी क्या दशा थी, तो वे कितना चकित होंगे। अब देखो ना, पिछले रविवार 350 वायु विमानों ने 550 टन गोला बारूद बरसाया, यानी कि इतना टन गोला बारूद हमारे पर बरसा दिया, तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां, यानी कि इन्होंने मुहावरा का प्रयोग किया यहाँ पर कि हम इतना 550 टन गोला बारूद, अब एक टन में 1000 किलो होता है, 550 टन गोला बारूद बरसाया 350 विमानों ने, तो सोचो जरा क्या हाल हुआ होगा। समाज में चोरी चकारी इस कदर बढ़ गई है कि लोग 5 मिनट के लिए घर खाली नहीं छोड़ सकते। इस कारण डच लोगों को अंगूठी पहनने का रिवाज खत्म हो गया। 8-10 साल के बच्चे घर की खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। हालत यह है कि पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार, भूख से बेहाल, सब लोग फटे पुराने कपड़े व जूते पहनते हैं।
मंगलवार 11 अप्रैल 1944 की डायरी में लेखिका एन फ्रैंक कहती हैं कि दो दिन इसी तरह हंसने में बीते। कल 2 बजे तेज गोलाबारी हुई, यानी कल 2 बजे तेज गोलाबारी हुई, मशीन गन चल रही थी। आज रविवार का दिन है, मेरा अधिकांश दिन समय पीटर के साथ बीता। शाम को पीटर के पिता ने बताया कि सेंधमारी बढ़ गई, यानी कि युद्ध बढ़ गया है, चारों तरफ खतरा है, हम सब डर रहे थे। बांदाल ने कहा कि बत्तियां बंद कर दो, यानी कि लाइट बंद कर दो और दबे पांव ऊपर वाली मंजिल में चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। भवन में यानी कि घर में बार बार सेंधमार घुस रहे थे, पुरुष लोग उनका विरोध कर रहे थे, कई सामान चोरी हो रहे थे, यानी कि सामान चोरी हो रहा था, घर में कोई भी आ रहा था। कि आप सोच सकते हैं कि कितना घटिया माहौल रहा था हुआ युद्ध के समय का, जैसा आजकल कश्मीर का बना हुआ था पहले। मंगलवार 13 जून 1944 की डायरी में एन फ्रैंक लिखती हैं कि मेरा जन्मदिन गुजर गया है, अब मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। मेरे लिए कई बार उपहार भी आए, लेकिन सीने में डर व्याप्त है। ब्रिटिश सैनिक लड़ रहे थे, वे हॉलैंड को जर्मनी के कब्जे से छुड़ाना चाहते थे। यदि ब्रिटेन ऐसा नहीं करता तो हॉलैंड जर्मनी बन गया होता। मैं पीटर को बहुत चाहती हूँ, वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जब उसको एक दिन नहीं देखती तो मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती है। मैंने और पीटर ने अपने महत्वपूर्ण दिन एनएक्सी में बिताए। मैं बाहर प्रकृति के बीच जाने के लिए, आसमान, चांद, बादलों व तारों को देखना मुझे अति शांति प्रदान करता है। एक प्रश्न मुझे अक्सर परेशान करता है, पुरुष सब जगह आ जा सकते हैं और औरतें कमरे में बंधी रहती हैं, यह स्त्रियों के प्रति अन्याय है। औरतों में सबसे अधिक सहन शक्ति है, इस बात की कोई परवाह नहीं करता। सैनिकों का सम्मान दिया जाता है लेकिन औरतों को नहीं, जबकि उनका त्याग सैनिकों से कम नहीं। लेकिन मेरा विश्वास है कि भविष्य में औरतें ज़्यादा सम्मान की हकदार बनेंगी। यह लिखी एन फ्रैंक द्वारा लिखित उनके लेटर्स थे, जिनको एक चैप्टर के रूप में तब्दील किया गया है और हमने इस चैप्टर के पूरे पार्ट को, इस सार को समझ लिया है। आई थिंक आपको यह चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।